नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। हम इसके कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस के, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान के चलिए एसपी को हम जो डिनोट करेंगे वो करेंगे सेलिंग प्राइस से, यानी कि विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। पी का मतलब प्रॉफिट और एल का मतलब लॉस। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी किसी चीज का अंकित मूल्य। आपसे आपको प्रॉफिट होता है, किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा आपको? जब आप कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेच दें तो आपको 2 रुपए का सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 12 रुपए में बेच दी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 2 रुपए का। ठीक है, अगर आपसे प्रॉफिट हो रहा है आपको और आपसे उसी कंडीशन में कही जाए कि सीपी फाइंड करिए, यानी कि क्रय मूल्य बताइए, तो देखिए क्रय मूल्य को बताओगे आप तो क्रय मूल्य को आप यहीं रखना और ये जो है प्रॉफिट को आप बराबर के दूसरी ओर लेके आओगे तो एसपी में से प्रॉफिट लेस हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्रॉफिट को लेस करते हैं तो आपका सीधे सीधे क्रय मूल्य फाइंड हो जाता है। अगर आपसे इसी कंडीशन में कही जाए कि विक्रय मूल्य का कीजिए तो एसपी में सीपी में अगर आप प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो आपका विक्रय मूल्य फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और देखिए, आपको लॉस किस कंडीशन में होता है? आपको लॉस उस कंडीशन में होता है जब आप कोई वस्तु ज्यादा में खरीद के कम में बेच देते हैं, यानी कि 10 रुपए वाली वस्तु आप 12 रुपए में, सॉरी 10 रुपए में खरीद, वो 12 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेच दें तो आपको 2 रुपए का लॉस हो गया, यानी कि 12 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेच देते हैं तो आपको सीधे सीधे आपके 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो मान के चलिए लॉस हो गया, यानी क्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य आपका कम होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। इसी कंडीशन में, लॉस वाली कंडीशन में आपसे कही जाए कि सीपी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस में है, बराबर के दूसरे प्लस में चलाएगा, नहीं एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि एसपी को निकालिए, यानी कि सेलिंग प्राइस फाइंड कीजिए लॉस वाली कंडीशन में, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी आपका यहाँ पे बराबर के दूसरी हो जाएगा ये लॉस, तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस। ठीक है, इस प्रकार से आपका एसपी फाइंड हो जाएगा। अगर आपसे कहा कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए या लॉस परसेंट निकालिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, दोनों की दोनों जो फाइंड होते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर फाइंड होते हैं, यानी सीपी पर। आप रखिए ऊपर प्रॉफिट या लॉस को और नीचे रखिए सीपी को और मल्टीप्लाई कीजिए 100 का, यानी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका हमेशा क्रय मूल्य पर फाइंड होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि डिस्काउंट को फाइंड कीजिए, डिस्काउंट परसेंट, तो ध्यान रखिए डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर फाइंड होता है। आपसे कहा जाए कि डिस्काउंट परसेंट फाइंड कीजिए तो डिस्काउंट को ऊपर लिखिए, एमआरपी को नीचे, मल्टीप्लाई 100, यानी कि डिस्काउंट परसेंट आपका हमेशा एमआरपी पे फाइंड होगा। आइए इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक वस्तु को 520 रुपए बेचने से एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो बताइए इसे कितने रुपए का लाभ होगा? सबसे पहले देखिए कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 30% का। 520 रुपए में, यानी ये एसपी आपको दे रखा है कितना? 520 रुपए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसे कितने रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको और प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए 30% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 30 को ऊपर लिखिए, परसेंट का साइन उठाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 का। अगर आप इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो बन जाएगा 3/10, यानी कि आपकी जो नीचे वाली वैल्यू होगी हमेशा सीपी होगी, कॉस्ट प्राइस। मान के चलिए आपने वो चीज 10 रुपए में खरीदी है, 10 का अगर आप 30% निकालते हैं तो आपको 3 ही प्राप्त होता है, ऊपर हो गया आपका प्रॉफिट। यानी कि मान के चलिए वो चीज आपकी 10 रुपए की ही थी, 10 रुपए की आपने खरीद ली, 10 का 30% आपको लाभ हो गया, कितने रुपए का लाभ हो गया आपको? जो प्राप्त हुआ 3 रुपए, यानी 3 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। यहां से लिख लीजिए सीपी, प्रॉफिट और एसपी। ठीक है, 10 रुपए वाली चीज को आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपए वाली चीज पे आपने 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 13 रुपए। 10 रुपए वाली चीज आपने 13 रुपए में बेची होगी तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा आपको सीधे सीधे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि वस्तु को 520 रुपए में बेचने से, तो ये वस्तु आपने कितने रुपए में बेच दिए? 520 रुपए में। ये आपकी यूनिट में निकली हुई है तो ये दोनों इक्वल हो गई आपस में। आप इसका इसमें डिवाइड देंगे 13 चौक 52, यानी कि 40 टाइम चली जाएगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट,
तो आप इसमें भी क्या कीजिए 40 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 × 4 120 तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ये होगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछता क्रय मूल्य कितना है तो आप भी इसमें 40 का मल्टीप्लाई करा देते, कितना हो जाता 400। ठीक है, ये हो जाता आपका सीपी, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 60% की हानि होती है, तो बताइए बस इसे कितने रुपए की हानि हुई। तो देखिए सबसे पहले आपको लॉस परसेंट दे रखा है 60%, सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 2400 रुपए, और आपसे पूछ रहा है कि लॉस कितना हुआ उसको। ठीक है, 60% का फ्रैक्शन बनाइए सबसे पहले, 60% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 60 ऊपर लिखेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 का, दोनों को काट लीजिए, 20 × 60 = 20 × 100 यानी कि 3/5। मैंने बताया आपको अभी नीचे वाली वैल्यू में से आपकी सीपी होगी, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। मान के चलिए आपने 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उसमें 60% की हानि हो गई आपको, तो हानि आपको कितनी हुई है 3 रुपए की। ठीक है, 5 का अगर आप 60% निकालेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 3 रुपए। 5 रुपए की हानि हुई थी, वो 5 रुपए की वस्तु पर 60% हानि हुई, यानी 3 रुपए की आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सीपी, सीपी एसपी और लॉस। ठीक है, आपको क्या हो रहा है कि 5 रुपए की वस्तु थी आपके, आपने खरीदी, ठीक है, 3 रुपए की उस पर हानि हो गई, तो आपको एसपी कितना रहा होगा 2 रुपए, यानी 5 वाली वस्तु को आपने 2 रुपए में बेच दिया, तब आपको 3 रुपए की क्या हो गई हानि हो गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 2400 रुपए बेचने से तो एसपी कितना है आपका 2 यूनिट में 2 है, क्वेश्चन में कितना देगा 2400, तो आप इसके सामने रख दीजिए, आप इसमें इसका डिवाइड देंगे तो इससे 1200 टाइम्स बार जाएगा जी, 2400 हो जाएगा। ठीक है, 2400 और 1200 का मल्टीप्लाई अगर आप लॉस में करेंगे तो आपका लॉस फाइंड हो जाएगा, 1200 × 36। ठीक है, लॉस कितना हो गया आपको 3600 का, तो उसका सीपी कितना रहा था क्वेश्चन में 1200 का, यह मल्टीप्लाई करा दीजिए और 12×5 = 60, यानी कि आपकी 6000 रुपये में आपने कोई वस्तु खरीदी थी जो आपने 2400 में बेच दी, तो आपको लॉस कितना हुआ होगा सीधे सीधे 3600 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 140 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है 140 रुपये में बेचने से, यानी एसपी कितना दे रखा है आपको 140 रुपये, एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपये का, तो आपसे पूछा वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए 140 रुपये में बेचा है उसने और 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, तो आपका सीपी कितना रहा होगा, यानी कि आपने खरीदा कितने में होगा वो, यानी खरीदा आपने 120 रुपये में होगा, 120 रुपये में खरीद के 140 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपको 20 रुपये का। ठीक है, तो आपसे पूछ के लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा प्रॉफिट पर फाइंड होता है वो सीपी पे। ठीक है, यानी कि आपको क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखना है, प्रॉफिट कितना है आपका 20 रुपये और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे फाइंड होता है, सीपी कितना है आपका 120, सीपी को रखिए नीचे, मल्टीप्लाई कीजिए 100 का, प्रॉफिट परसेंट है 20 × 120, दोनों को 2 से काट लीजिए, 50 टाइम्स कट जाएगा ये 3 टाइम्स, आपको हो जाएगा 50/3, 3 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार चला जाएगा 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 18, यानी कि 2/3%, 16 × 2/3%, इतना इसको प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 150 रुपये बेचने से एक व्यक्ति को 50 रुपये की हानि होती है, तो बताइए वस्तु का हानि प्रतिशत कितना है, आपको देखा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 150 रुपये है, यानी कि 150 रुपये में बेची है कोई वस्तु तो उसको 50 रुपये की हानि होती है, यानी लॉस कितना होगा उसको 50 रुपये का, तो आपसे पूछा वस्तु का हानि प्रतिशत क्या है, मैंने बताया था आपको हानि प्रतिशत हो या प्रॉफिट परसेंट हो, दोनों की दोनों क्रय मूल्य पर फाइंड होते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ से सीपी चाहिए। तो देखिए 150 रुपये बेचा है और हमको हानि कितनी हुई 50 रुपये की, तो हमारा सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा हमारा 200, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि कोई वस्तु आपने 200 रुपये में खरीद के 150 में बेच दी, तभी तो आपको 50 रुपये का लॉस हुआ होगा, 200 में खरीद के 150 में बेच दी है तभी तो आपको 50 रुपये का लॉस हुआ होगा, तो मैंने आपको बताया कि चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट, दोनों सीपी पर फाइंड होते हैं। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है आपको, लॉस परसेंट पूछा है आपसे, लॉस को रखिए ऊपर, सीपी को रखिए नीचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, 50 × 200, 2 से काटोगे इसको, 4 से काटोगे, 4 × 8 = 20, यानी 25%,
उसको कितने का लॉस हो जाएगा, 25% की हानि हो जाएगी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। आपको देखिए 30 वस्तुओं का सीपी दे रखा है यानी कॉस्ट प्राइस, बराबर दे रखा है आपको 25 वस्तुओं का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों इक्वल है आपस में, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, सीपी को रोकिए, ये बराबर के दूसरी ओर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये वैल्यू देखिए 25, ये 30 मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में चली जाएगी, यानी कि उल्टा हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। सीपी आपका हो गया 25 और एसपी हो गया 30, दोनों काट लीजिए, 25 5 6 के 30, यानी 5 रुपए वाली वस्तु आपने 6 रुपए में बेच दी, सीपी कितना है आपका 5 और एसपी कितना है आपका 6, यानी 5 रुपए की आपने खरीद के कोई वस्तु 6 रुपए में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा यहाँ से, 1 का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया प्रॉफिट आपको, 1 का हो गया, ठीक है। मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों की दोनों सीपी पे फाइंड होते हैं, सीपी को लिखिए नीचे, मल्टीप्लाई कीजिए 100 का, तो आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ये काट लीजिए आप कितने का जाएगा 20, यानी 20% का आपको क्या हो गया प्रॉफिट। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो देखिए सीपी एसपी और प्रॉफिट, सीपी कितना है आपका 5 और प्रॉफिट कितना है आपका, सॉरी वो सेलिंग प्राइस कितना है 6, 5 वाली वस्तु 6 रुपए बेच दी तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का। तो मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपको सीपी पे फाइंड होते हैं, प्रॉफिट को लिखिए ऊपर, सीपी को लिखिए नीचे, मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट कितना है आपका 1, सीपी कितना है आपका 5, मल्टीप्लाई 100, आप इसे काट लीजिए कितनी टाइम कट जाएगा 20 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 2750 वस्तुओं का सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर है किसके, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी के बराबर है, तो मैंने आपको बताया सीपी बटे एसपी कर लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड में, 2500 इधर है, ये कितना हो जाएगा 2750, ठीक है, दोनों को काट लीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए, 25 का दोनों 25 का डिवाइड चला जाएगा, 25 एकम 25 10 बार चला जाएगा, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 यानी कि 11 बार चला जाएगा, तो आपका सीपी हो गया 10 और एसपी होगा आपका 11, यानी 10 रुपए वाली वस्तुओं को आपने 11 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ से, 1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 10 रुपए वाले को आपने 11 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर लिखिए, सीपी को नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, भाग लगा दीजिए इसमें, डिवाइड दीजिए तो 10% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 10%। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।